हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग योर वर्क एट योर होम्स एंड योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल. ओके, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन. नेक्स्ट चैप्टर इज हेल्थ एंड हाइजीन. What is health? How we can maintain it? And what are the factors that affect our health? Okay, so first we have to understand what is health. You know, our body is like a machine and it keeps working all the day, and our routine works by which it get tired. हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है. जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, टायर्डनेस आ जाती है. टू रिमूव दैट टायर्डनेस वी कैन डू आवर सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी. वी कैन रीड न्यूज़पेपर, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन डांस, वी कैन वॉच टीवी और एनी अदर थिंग्स वी कैन डू टू रिफ्रेश आवर सेल्फ. ओके, सो सपोज एनी vehicle is there and it is working regularly and we are not taking care about that, then what will happen? अगर कोई vehicle है जिसका हम regular प्रयोग कर रहे हैं और उसका maintenance हम नहीं कर पा रहे हैं, then what will happen? वो उसका जो engine होता है वो बहुत जल्दी सीज हो जाएगा. Okay, so like that our body is also an engine and if we are not taking care about that then it will get also the seized. It means it will affected by some illness या फिर any other problem will be there in our body. Okay, so we should maintain our health regularly or on daily basis we should do anything that is beneficial for our health. Then what we should do? हमें करना क्या चाहिए? We can do exercise, we can take healthy food or we can take the nutrients which are essential for our health and maintenance of our body. Okay, so what is health? Health is the stage of proper well-beingness of our all parts of the body. Hamari body ke sabhi parts ke health और वी कैन से वेलबींगनेस हेल्थ कहलाती है. जब हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं तो वो हमारी एक हेल्थ होती है जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो. इट मींस द वेलबींगनेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल. फिजिकल और मेंटल स्टेट का सही होना हमारी हेल्थ कहलाती है. ओके, सो द स्टेज ऑफ वेलबींगनेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स. क्लियर? जो हमारी बॉडी की फिजिकल और मेंटल स्टेट है उसका सही होना ही क्या होता है, हेल्थ होता है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी गेट सिक. हम बीमार कैसे होते हैं? देयर आर थ्री वेज बाय विच वी मे बी सिक. फर्स्ट इज इफ एनी बॉडी फंक्शन बॉडी पार्ट इज नॉट फंक्शनिंग. प्रॉपरली हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. Second is any deficiency is there. कोई भी डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इफ एनी बैक्टीरिया और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, दिस when these attacks on our body then we get sick. Okay, so we should protect our body against these also. Next is nutrients. What are nutrients?
What are nutrients? Nutrients are the essential elements that we take to keep our body healthy, or which are required for our body for proper functioning. Nutrients may be carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. So these are the important essential nutrients in our diet for our body. Okay, so first of all we will discuss about the carbohydrates. What is carbohydrates? Carbohydrate is a starch or sugar which is present in any food that helps to give us, or we can say to gain energy. It provides energy. और बॉडी ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती है. इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? पोटैटो, राइस, व्हीट, सुगरकेन. ओके, सो दीज आर द एसेंशियल, और वी कैन से श्योर शो कार्बोहाइड्रेट्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू आवर बॉडी. ओके, सो वी कैन do our regular, or we can say daily works, routine works. Okay, next is proteins. Proteins are the bodybuilding materials. Building materials means jisse hamari body banti hai. It helps in the building of body. हमारी बॉडी के बिल्डअप में हेल्प करती है. ठीक है, वी शुड टेक इट इन प्रॉपर अमाउंट, और वी शुड नॉट टेक इट एक्सेस. कि जो भी एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे कैन कॉज मैनी डिजीज ऑल्सो. इफ वी आर टेकिंग इट इन लेस अमाउंट, देन इट विल ऑल्सो कॉज एनी डिजीज. Or if we are taking in excess amount, then they will also cause any disease. Okay, so we should take it in proper amount. So proteins, from where we can get proteins? Eggs, okay, pulses, sprouted seeds. जो भी seeds sprouted होते हैं, जैसे मूंग है, इस तरह के जो भी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है. दैट हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज फैट, और वन मोर थिंग इज देयर कि व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोटीन, और वी कैन से द बॉडी बिल्डिंग मेटेरियल, देन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दे शुड बी इन प्रॉपर अमाउंट. दे शुड नॉट बी इन large quantity, or they should not be in less quantity. They should in proper amount, because if we are taking some less amount, then it will cause any disease, which are known as PEM, protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition, it means jo hum kisi bhi न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमें डिजीज होती है, जैसे प्रोटीन की कमी से. एनर्जी मींस कार्बोहाइड्रेट्स, और माल न्यूट्रिशन मींस उनकी डिफिशियंसी. तो इनकी कमी से जो डिजीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ओके, सो वी शुड टेक केयर दैट वी शुड टेक इट इन प्रॉपर अमाउंट, नॉट इन लेस और नॉट इन मोर अमाउंट. ओके, नेक्स्ट इज फैट. Fat are also the essential nutrients for our body. It provides energy also. ये हमें energy भी provide करता है carbohydrates के तरह ही. ठीक है, जैसे carbohydrates से energy मिलती है, वैसे ही fat से भी हमें energy मिलती है. लेकिन it should be taken in less amount. Means
प्रॉपर अमाउंट इफ यू आर टेकिंग इट इन लेस अमाउंट देन इट विल कॉज एनी डिजीज और इफ यू आर टेकिंग इन मोर अमाउंट और लार्ज अमाउंट देन इट विल कॉज ओबेसिटी। अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो भी हमें डिजीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं ओबेसिटी मीन्स मोटापा, जो हमारी एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट इज विटामिंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस द मिनरल्स। मिनरल्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम इनको नहीं लेते। सो डिफरेंट सोर्सेज आर देयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, दिस टाइप ऑफ फूड कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, सो वी शुड टेक इट इन प्रॉपर अमाउंट।